फैंटास्टिक प्लेस, शानदार पानी है। And welcome to the channel, friends. Hope you guys are absolutely fine and enjoying. और पिछले दो तीन दिन से बहुत शानदार बारिश हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस मौसम में ज़रूर हमको किसी वाटर बॉडी के पास जाके ब्लॉग करना चाहिए, तो मैं आ गया हूँ। इन द बैक साइड आप एक शानदार सा गार्डन देख सकते हैं। ये एक्चुअली शहडोल से लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर मान के चलें दूर है, इसको सरफा डैम बोलते हैं। उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सा गार्डन तैयार कर रखा है। मैं अभी आपको उसका कुछ झलक भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटी। सो दिस इज द सरफा डैम हियर। और जैसा कि मैंने बताया, शानदार बारिश हो रही है पिछले तीन चार दिन से। कल गणेश विसर्जन हो गए और उसके बाद आज टाइम मिला तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। फैंटास्टिक प्लेस, शानदार पानी है। और कल तो एक वीडियो एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने शेयर किया था, पानी ये पूरा इस ब्रिज के ऊपर से जा रहा था। आज तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी शानदार दिख रहा है। आइए चलते थोड़ा सा गार्डन भी देखते हैं। जब तक गार्डन में जाता हूँ, आप देखिए इस डैम की झलक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से हमारे सिटी में, मींस शहडोल में, यहाँ से पानी भी सप्लाई किया जाता है। अभी आप उस वाटर बॉडी के बगल में ये एक गोल सा बिल्डिंग देख रहे होंगे, दिस वन इज़ द पंप हाउस। और यहाँ से बाहर जाके थोड़ा सा गेट के लगभग 2 किलोमीटर ऊपर फिल्टर हाउस बना है। पानी पहले वहाँ पहुँचाया जाता है, आफ्टर दैट वहाँ पर फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद सिटी में सप्लाई किया जाता है। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस। और वहाँ पे फिर पीने के लिए पानी सबके घरों में सप्लाई किया जाता है। अगेन हम छोटा सा ये गार्डन घूम के अगेन वी आर इन द सेम प्लेस। शानदार मीन्स यहाँ पानी की ही आवाज़ इतनी आ रही है कि मेरे को थोड़ा मोर देन नॉर्मल वॉइस आपसे बात करनी पड़ रही है। सो दिस द टाइम टू लीव फ्रॉम हेयर। आई होप आपको एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हालांकि हम लोग जस्ट पानी की अवेलेबिलिटी देखने यहाँ पे आ गए थे, और हो सकता है यहाँ के बाद एक और जगह हम लोग जाएं। अगर जाता हूँ तो इसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग रखूँगा, अदरवाइज हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ। दिस इज संजीत सोनी। जय हिंद। सो गाइस, हम लोग सरफा डैम से थोड़ा सा पास में एक और जगह आ गए हैं, और ये अगेन जन्नत टाइप की जगह है। आसपास वाटर बॉडीज़ बहुत इस समय एक्टिव हैं देखा जाए तो। ये इतना लंबा सा पुल है, लगभग आधा किलोमीटर का ये पुल है, और ये लगभग कम से कम 10-12 फीट गहरा पुल है ज़मीन से, और इसमें बिल्कुल पास में पानी चल रहा है।
बिल्कुल पास में, इतना लंबा इसका चौड़ाई है, आप पीछे तक इसकी देख सकते हैं। शानदार मीन्स वो एक फ्रेश करने वाली जो एयर है वो आ रही है, और दूर एक मेरे को झरना भी दिख गया, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके, झरना भी दिख गया, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा और जूम करता हूँ इसको मैं, ये झरना शानदार, और कितना लंबा ये पुल है, हो सकता है थोड़ा और ऊपर पहाड़ियों में पानी गिरे तो हो सकता है इस ब्रिज के ऊपर से भी पानी जा सकता है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया जाता है, वो रास्ता है वहाँ से हम लोग आते हैं, और इसके उस साइड जाके वो डैम है, डैम से पानी छूटता है, और ये इतना लंबा चौड़ा सा इसका पूरा पार्ट बोलेंगे, सीधा सीधा सा मैं बोलूँ पार्ट है, और ये रास्ता इधर से आके पूरा इधर से जाके और उधर गाँव में अंदर चला जाता है, अंदर एक बहुत सारे स्पॉट्स हैं, अंदर झरने हैं, ये ऑल दीज थिंग्स, सो वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, यहीं पे गणेश विसर्जन का भी कार्यक्रम होता है, यहाँ पे कल काफ़ी कुछ हुआ भी होगा। शानदार मौसम, और ये जो नदी है बहुत दूर तक जाती है, लंबा जाती है, सो मेरे साथ जो साहब आए हैं वो सामने खड़े हैं, वो रेड कलर की पगड़ी में, वीर जी, पता नहीं मेरे को लग रहा है कुछ शायद उसमें जा रहे होंगे, झरने के आसपास जा रहे होंगे, यस वो वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग देख पा रहे हों, थोड़ा सा उजला एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे, वो जस्ट धूप आ रही है, और ये आ गई बीच में, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये सारा खेल बादलों का है, बादल जहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे छाया है और रेस्ट इज धूप। एक गाड़ी में चार लोग, क्या बात है आज। तो हमारे वीर जी ऊपर पहुंच गए हैं, सो फ्रेंड्स अगेन अ फैंटास्टिक प्लेस, आसपास लोग बाग बहुत, तो इधर जाते हैं पिकनिक विकनिक मनाते हैं शानदार तरीके से, और कल तो यहाँ पे काफ़ी कुछ रहा होगा, गणेश विसर्जन का कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे, सो काफ़ी कुछ हुआ होगा, एंड रेस्ट आई होप आपको ये दोनों जगह के व्लॉग बहुत अच्छे लगे होंगे, एंड बोथ द प्लेसेस आर वेरी विजिटिंग प्लेस हियर, वहाँ पे आप आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये जो पीछे दिख रहा है वहाँ कुछ लोग भी दिख रहे होंगे, वहाँ पे वो एक एक्चुअली पिकनिक स्पॉट टाइप का स्थान है, वहाँ पे लोग बाग जाते हैं, खाना आना बनाते हैं, नहाते हैं, फिर पिकनिक मनाते हैं, शहर से दूर बहुत फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरमेंट यहाँ पे है, सो दे आर एन्जॉइंग ऑल दैट। और इससे पहले हम जहाँ पे गए थे वो भी बहुत शानदार जगह है, वहाँ तो एवरी डे कोई ना कोई आता रहता है, बिकॉज अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी बंद किया गया है, रेस्ट वो खुला रहता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मैं आपको आई बटन में दे ही चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरा पूरा व्लॉग है, जहाँ पे पिकनिक मनाने कुछ लोग आए थे उनके साथ हमने व्लॉग किया था। सो अब ये व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे, थैंक्स अ लॉट फॉर नाउ, दिस इज संजीत सोनी, जय हिंद।